तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं धर्मपाल जी के फार्म हाउस के अंदर। तो अभी हम लोग हैं देखिए धर्मपाल जी का जो फार्म हाउस है उसके अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो शायद कोई आदमी हो जो उस जगह पर जाना नहीं चाहे और उनसे मिलना नहीं चाहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा धर्मेंद्र जी का फार्म हाउस लोनेवाला। और अभी मैं इस टाइम लोनेवाला के पास में ही हूँ, तो हम लोग अभी चलेंगे लोनेवाला। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलवाऊँगा जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आया हूँ इतनी दूर। तो दोस्तों मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हो मनीष ढाडोली यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलिए मैं आप लोगों को मिला देता हूँ जो भाई मेरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और इतना मेरा साथ दे रहे हैं, तो उनसे मैं आपको मिला देता हूँ। फिर हम लोग चलते हैं धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस, फिर आपसे मिलते हैं वहीं चलकर, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे हम लोग पूछेंगे धर्मेंद्र जी के बारे में। आजिम भाई आइए एक बार, दानिश भाई और नाजिम भाई आइए एक बार। तो दोस्तों ये हैं आजिम भाई और ये हैं इनके छोटे भाई नाजिम भाई और ये हैं दानिश भाई। तो ये तीनों भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे भी अच्छा लगा। और आजिम भाई तो धर्मेंद्र जी से काफ़ी बार मिल चुके हैं और इनका जो रिलेशन है उनके साथ में काफ़ी अच्छा है। तो ये जो वीडियो में पॉसिबल हो पाया मेरे यहाँ लोने वाला धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस का, तो उसमें आजिम भाई का काफ़ी हाथ है उसमें। और आजिम भाई थोड़ा बोलिए ना अपने बारे में, बताइए। और फिर बस अभी क्या बोलना है, चल ही रहा है, अभी वहाँ पे जाके ही बोलेंगे जो भी बोलना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस पे, मिलते हैं फिर आप लोगों से वहीं चलकर। तो गाइज मैं अभी पहुंच चुका हूं आउंडे गांव, जो ये अभी जो जगह है उसका नाम है आउंडे गांव। और यहां पर एक ये छोटी सी दुकान है, तो चलिए हम लोग भाई से पूछते हैं क्योंकि अभी हम लोग धर्मेंद्र जी का जो फार्म हाउस है वहां पर चलने वाले हैं। भाई कौन सा गांव है ये? आउंडे गांव। आउंडे गांव, आपका नाम भाई? आकाश पठारे। आकाश पठारे। तो भाई धर्मेंद्र जी का जो फार्म हाउस है यहाँ से कितना दूर है? एक 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट का, ये जो रास्ता जाता है सीधा उधर ही जाता है ना, तो आपने तो देखा होगा सर को क्योंकि आपकी दुकान है। तो बताओ ना थोड़ा सर के बारे में हमें। अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है, यहाँ से आते जाते हाथ करते रहते हैं। हाथ करते रहते हैं। हमारे गाँव में भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। आपके जो कौन सा गाँव? आउंडे। आउंडे गाँव में रहते हैं वो। बहुत कुछ करवा के दिया है गाँव को। क्या क्या करवाया बताइए थोड़ा। मतलब शाला वगैरह पेंट वगैरह करके बना के दिया। जो तालाब है हमारा उसके लिए भी बहुत कुछ किया। तालाब के लिए भी बहुत कुछ किया। ओके। साल का वो अपना ये रहता है ना। हाँ बताइए बताइए कौन सा त्योहार रहता है हमारा, मतलब जो अपने साल भर के जो त्योहार रहते हैं हमारा, भगवान का उत्सव रहता है उसमें सभी लोगों को खाना खिलवाते हैं, सभी लोगों की तरफ से रहता है। ओके अच्छा, गांव वालों को काम भी देते हैं वो लोग फार्म हाउस पे? फार्म हाउस पे उनके काम पे भी है गांव वाले।
आप ही के गांव वाले हैं ना, यानी ये कहने का मतलब बहुत अच्छे से आपके गांव को बहुत प्यार देते हैं वो, है ना। ओके, मैं राजस्थान से आया उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। राजस्थान यहाँ से शायद 1700 किलोमीटर दूर है जहाँ से मतलब मैं आया हूँ वहाँ से, तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों ने भी बताया मेरे को थोड़ा सा, और ये भाई हैं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अभी कभी आप मिले हो उनसे फेस टू फेस? आपकी दुकान से कभी सामान लिया है धर्मेंद्र जी ने? ऐसा नहीं लिया है ना। हाँ, उनके आदमी है, वो लोग भेजते रहते हैं तो लेके जाते, वो आते रहते हैं यहाँ पे। मेरे पापा उधर काम पे भी थे, उनका खुद का जो खड़ी क्रेशन का ये है ना। हाँ, उधर काम पे भी थे। ओके, ओके। अच्छा, आप गए हो कभी फार्म हाउस घूमने के लिए उनका? गया, बचपन में गया था, अभी तो नहीं गया। अभी तो नहीं गया है ना। चलो भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा, आपका कारोबार बड़ा हो, और कभी दोबारा आएंगे तो मिलेंगे आपसे। थैंक यू दोस्तों। अभी मैं उस जगह पर चल रहा हूँ जहाँ से जो ज़मीन है वो स्टार्ट होती है धर्मपाजी के बंगले तक, लोने वाला जो फार्म हाउस है वहाँ तक जाने के लिए। तो जिस रास्ते से वो लोग आते हैं जाते हैं, तो उस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो आसपास की जो ज़मीन है लगभग धर्मपाजी की ही है। यहाँ पर आजिम भाई पहाड़ वगैरह भी उन्हीं के हैं। हाँ, ये जो यहाँ से जितनी भी जमीन जा रही है ना, हाँ, ये सब सिर्फ पाजी की है, ये सारी पहाड़ वगैरह सब उन्हीं के हैं, सब उन्हीं की जगह में। तो दोस्तों, ये जो एरिया है ये धर्म पाजी का प्राइवेट एरिया है, ये पूरा उनका फार्म हाउस का। और आप ये जो देख रहे हैं ये जो रास्ता, ये सीधा धर्म पाजी के घर तक, लोने वाला फार्म हाउस तक ये जाता है। पहाड़ी पे भी उन्होंने एक बंगला बनाया और रिजॉर्ट टाइप। आजिम भाई तो क्या है कि पूरा जो फार्म हाउस है पूरा घूम रखे हैं। आजिम भाई बता रहे हैं कि उन्होंने भी एक मतलब जो पहाड़ है वहाँ पे भी एक बंगला बना रखा है, क्योंकि मैं तो अभी नहीं। बंगला बोले तो उन्होंने जैसे स्विमिंग पूल हो गया, हाँ हाँ, और वो एक बार जैसे टाइप का रहता है, हाँ, वो सब बनाया है उधर ऊपर। बहुत अच्छा है, मतलब चिल करने के लिए बहुत मजा। मतलब सांप जब भी आते हैं ना, अब तो पहले मैं जब गया था ऊपर, हाँ हाँ, तब वो थोड़ा सा उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन अभी वापस से उन्होंने पूरा तैयार किया, बनाया है उसको, और स्विमिंग पूल भी उस टाइम पे पूरा ऐसा ये हो गया था, खस्ता हाँ। हालत में, लेकिन हाँ। अभी एकदम ओके, उन्होंने पूरा एकदम ओके करके लिया है। नीचे भी एक स्विमिंग पूल नया बनाया उन्होंने, नीचे भी हाँ। ओके ओके, साइड हो जाओ थोड़ा। तो अभी हम लोग हैं औंडे गाँव है ना, औंडे गाँव। तो दोस्तों मेरा थोड़े ना बोल है वो लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि नाम है थोड़ा अलग ही है, इसी वजह से औंडे गाँव। तो गांव की लुकिंग देखो यार, यहीं से गांव की जो लुकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। देखो कितना प्यारा बंगला बना रखा है, और अभी काम भी चल रहा है इसका। और शायद देखो इधर से एक ट्रक आ रहा है, ये कोई लोड लेके आ रहा है। तो चलिए हम लोग वहीं पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस पे। तो बस यहाँ से ये जो आपको ऑटो दिख रहा है बाजू में पास में, तो ये धर्मेंद्र जी का फार्म हाउस ही है। तो ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, कितना सुंदर है, पूरा हरा भरा है एकदम, यहाँ पे सुकून मिलता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि सर ने यहाँ पर जो अपना फार्म हाउस बनाया है, क्यों बनाया है, इसीलिए उन्होंने अपना। अरे भाई नाजिम भाई, गाड़ी दब रही है अपनी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी पहुँच चुका हूँ धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस पे, और जो अभी मैं उनके गेट के बाहर हूँ, तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। और बाकी हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले बाहर से देखेंगे, और जैसे ही हम लोगों को, जब हम लोग अंदर जाएंगे, अगर हम लोगों को अंदर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अभी बाहर से देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अंदर। तो ये देखिए, ये है धर्मेंद्र जी के फार्म हाउस का जो गेट है बाहर का, ये गेट है, और अभी आप देख सकते हो ये बंद है, इधर गार्ड साहब खड़े हैं। तो चलिए हम लोग अभी अंदर कॉल करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अंदर। और बाकी अभी कोविड का टाइम है, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा टाइट कर रखा है इन लोगों ने। तो बाकी अभी जैसे कि हम लोग अंदर जाएंगे, तो अभी देखो यहाँ पर मतलब एक गैस रिपेयरिंग वाला भी आया है यहाँ पर, ये देखो। नहीं, कोई नहीं, बात करने दो उसको, तो वो भाई थोड़ा बात तेज़ कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अंदर, और फिर मिलते हैं आप लोगों से उसके बाद में। थोड़ा सा गेट खुल गया ना, चेक करने के लिए आई। अच्छा, आंटी की है ना ये? हाँ, सनी पाजी की भी है ना ऐसी? कोई नहीं, चेक करने के लिए। अच्छा, चेक होता रहता है। ये
तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं धर्मपाल जी के फार्म हाउस के अंदर। तो अभी हम लोग हैं देखिए धर्मपाल जी का जो फार्म हाउस है उसके अंदर। तो ये जो रास्ता है ये आप देख रहे हैं, ये सीधा उनके बंगले के जो फार्म हाउस है वहाँ तक जाता है। तो यहाँ का नज़ारा देखो कितना अच्छा है। और अभी यहाँ पे देखो सिक्योरिटी का थोड़ा बढ़ा रखा है क्योंकि कोविड का टाइम है ना, इसीलिए। और अभी मैं बताऊँ आपको, हम अंदर चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो मैं किसी आदमी को परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि देखो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े आदमी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो सिक्योरिटी ने बोला है कि आपको कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कैमरा जमा करा के फिर अंदर जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों फिर आपको मैं जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा तो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी होकर आया था सर के अंदर फार्म हाउस में, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि अभी क्या है कि जो कोविड का चल रहा है तो उनको चेक करने के लिए, कोविड टेस्ट करने के लिए एक वैन आई हुई थी यहाँ पर, तो इसीलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। पर और मेरा फ़ोन वगैरह जो है वो सब गेट पे ही था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर अगर मैं दोबारा यहाँ पे आया तो आप लोगों को मैं सर से ज़रूर मिलवाऊँगा और मैं भी सर से मिलूँगा। तो अभी आप देख रहे हो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो हमें इतना इस कोविड के टाइम में एंट्री मिला जाने के लिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर और जिन लोगों ने मेरे को सब ये अथॉरिटी दिलाई यहाँ तक जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे थे ये चेकअप टीम के लिए, जो चेकअप की जो टीम थी ये आई हुई थी यहाँ पे, तो अभी ये लोग गए हैं, शायद उनको छोड़ कर ये गए हैं। तो अभी देखो गेट लग चुका है सर के फार्म हाउस का, तो हम लोग भी चलते हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ये लगभग सारी ज़मीन है यहाँ औंडे गाँव में, तो लगभग आधी ज़मीन है जो सर की ही है यहाँ पर। और गाँव वाले भी अच्छे हैं, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और यहाँ पे मिलता है सुकून। और बाकी यहाँ पे आप देखो तो पूरा बहुत अच्छा है, पूरा एरिया बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। पर मैं थोड़ा सा मिल नहीं पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा कोविड का इशू है, इसी वजह से नहीं मिल पाया।